हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मूल महाभारत के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु के ब्रह्मांड स्वरूप का दर्शन पांडु पुत्र अर्जुन के पहले और एक विशेष विष्णु भक्त को हुई थी। दोस्तों, ऐसे तो इसके बारे में अनेक मान्यता है। दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल पहले यानी द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने दुष्टों को मारने और देश में धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण का अवतार लिया था, यह पौराणिक कथा उसी समय की है। यह कथा कृष्ण भगवान के बाल जीवन से जुड़ी हुई है। जब नंदगांव में माँ यशोदा के पास कृष्ण जी बड़े हो रहे थे, उस समय उनका स्वभाव बेहद नटखट था। उनके स्वभाव की चर्चा पूरी वृंदावन में थी। एक बार श्री कृष्ण जमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। इसी समय माता यशोदा जमुना नदी में नहा रही थी। वहाँ पर कुछ गोपियाँ आती हैं। उन्होंने देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे हैं। यह देख गोपी ने उनकी शिकायत माँ यशोदा से की। उन्होंने कहा कि यशोदा, देखो तेरे कान्हा मिट्टी खा रहे हैं। जैसे ही माँ यशोदा ने यह सुना तो वो सीधा बाल गोपाल के पास पहुंची। उन्होंने पूछा कि लाला, क्या तुमने मिट्टी खाई? इस पर कान्हा बोले, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ यशोदा को उसकी बात पर विश्वास नहीं आया। उन्होंने कहा, कान्हा जरा मुंह खोलकर तो दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। यह सुनकर माँ यशोदा को कान्हा ने मुंह खोलकर दिखाया। जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो माँ यशोदा अचंभित रह गई। माँ को उनके मुंह में मिट्टी तो नजर नहीं आई, लेकिन पूरा ब्रह्मांड जरूर नजर आ रहा था। कोटि कोटि सूरज और कोटि कोटि ब्रह्मांड, धरती के हर जीव जंतु का जन्म और मृत्यु, और धरती के नदी, समुन्दर, पहाड़, पर्वत, ये सब दिख रही थी। माता यशोदा जब ये देखते हैं कैसे एक पल में ब्रह्मांड का सृष्टि और एक पल में विनाश हो जाता है। माता यशोदा कान्हा के मुंह में भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप और चतुर्धार रूप देखकर अपनी आंखें पर विश्वास नहीं कर पाते। उन्होंने सोचा कि उनके कान्हा के मुंह में ये सारी सृष्टि और जगत के समस्त प्राणी कैसे नजर आ रहे थे। वो ज्यादा देर तक यह देख नहीं पाई और बेहोश हो गई। जब माँ यशोदा को होश आया तो उनके मन में बाल कृष्ण के लिए और भी ज्यादा प्यार जग गया। उन्होंने कान्हा को अपने गले से लगा लिया और उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। माँ यशोदा को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो एक साधारण बालक नहीं है, फिर भी माँ तो माँ होती है। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, ये चमत्कार देखने के पश्चात माता यशोदा उस वक्त क्यों कान्हा के विष्णु अवतार को समझ नहीं पाई? दोस्तों, इसके जवाब कमेंट बॉक्स पर लिखना मत भूलना और ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।